डॉक्टर मीर जवाद जार खान चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल अतापुर हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं आज की अहम खबर पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि आज से एक दो दिन कबल हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक कैब ड्राइवर को जो है एलबी नगर से उसकी कैब को बुक करते हैं, फिर बाद उसके जो है शमशाबाद एयरपोर्ट पर ले जाकर उसके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर देते हैं, बाद उसके इसका मोबाइल फ़ोन, इसका पर्स और इसकी कार लेकर फरार हो जाते हैं। तो बहरहाल ये मुलजमिन जो है आज गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते चलें। कुछ दिन पहले होने वाले चाकू जनी के वाक़े के दो मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी अंजया ने इस केस की तफसीलात बताई है। बाबा नगर के रहने वाले कैब ड्राइवर मिर्जा आजम बेग पर एयरपोर्ट रोड पर जो हमला किया गया और उसके बाद उनकी कैब और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे, वो दोनों मुलजिमीन आज गिरफ्तार हो गए हैं। ये दोनों का ताल्लुक कर्नाटका से बताया जा रहा है। इसमें से एक का नाम मोहम्मद हमीद रजा और दूसरे का नाम शाहरुख बताया जा रहा है। तो आइए नाज़रीन हम आपको बताते हैं एसीपी अंजया ने इसके ताल्लुक से क्या तफसीलात बताई है। पब्लिक सिक्स नाइट बोले तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेवन्थ आता, सिक्स नाइट को मिड नाइट अबाउट 12:45 को ये मिर्जा आजम बेग बोल के ये ड्राइवर है, इन्हों ऑफिस बाबा नगर में रहता, इनका कार लेके एलबी नगर में इंतज़ार कर रहा था। वही टाइम पे 12:45 के कॉल आया अहमद रजा, वो कैब बुक करते ना, वो ऊबर कैब बुक कर रहे थे, उनको बोला, लोकेशन बताया तो दो मोहम्मद रजा और फखरुद्दीन बाबा बोल के दो बच्चा एयरपोर्ट जाने के लिए वो कार बुक कर रहे थे, उन्होंने एलबी नगर में पिक करके उनको दोनों को पैसेंजर को समझ के उन्होंने ऐसा सेम बालापुर मंदमल में बालापुर ऐसा पहाड़ी से बालापुर से ऐसा आके आरसीआई रोड्स में से इधर वीडियो कंजंक्शन के पास आते, आने के बाद उन्होंने पेशाब करने के लिए उन्होंने जो पैसेंजर्स बोला ड्राइवर को, उन्होंने बोला आइंदा नेक्स्ट ओनली एयरपोर्ट है, नजीक है, वहाँ जाने के बाद गाड़ी रोकते बोले तो उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने एक साइड पे बैठा था और पीछे एक आदमी बैठा था, उनको जबरदस्ती उनको खींच के एक चाकू से इंजर्ड कंप्लेंट मिर्जा ट्विटर में पोस्ट लगा उन्होंने कोई पुलिस एक्शन लेने का बोल का मॉर्निंग में हमारे पुलिस स्टेशन को पहाड़ी शरीफ आके कंप्लेंट करे तो क्राइम नंबर 208/2023 अंडर सेक्शन 394 रॉबरी सेक्शन में केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उनका ऑलरेडी ऊबर में बुक करने के बाद नंबर आता ना, नंबर के साथ चेक करे तो उनका एड्रेस वहाँ मिला, अपने जगतगुरु तक KPH तरफ एड्रेस मिला। वो KPH तरफ एड्रेस मिलने के बाद हमारा टीम्स और इसके इसमें केसेस में हमारा CCS टीम अपने राचकोंडा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करके हमारे भी साथ में लेके उनको ठैक करने के लिए टीम्स लगा के कोशिश करा। ये इन्वेस्टिगेशन में सुबह उनको वहाँ घर को जाके दोनों को मोहम्मद रजा अहमद रजा को और फखरुद्दीन बाबा है दोनों को, एक तो इन्हों वेस्ट बंगाल के A1 मोहम्मद अहमद रजा वेस्ट बंगाल के और फखरुद्दीन बाबा इन्हें कर्नाटक है, दोनों भी इन्हें कर्नाटक है, दोनों भी साथ में फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स होने के बाद ऐसा चोरियाँ कर रहे और ये ऑफेंस करने के बाद भी एक राजेंद्र नगर में भी एक ड्राइवर के साथ क्राइम नंबर 430/2023 अंडर सेक्शन 38 IPC में वारायनर में सेल फोन्स वहाँ भी चोरी करा, साथ ही ड्राइवरों को
डुबा के, हम भी ड्राइवर साहब बल्कि उनको ऐसा चीटिंग करके वहाँ के भी सेलफोन वो भी रिकवरी करा, पूरा इसके दोनों का अरेस्ट कर दिया। इनके पास जो चाकू रिकवरी करा, वो जो इंजरी करे थे, और इसके सेलफोन्स यहाँ हमारे सेलफोन, वो बच्चा का सेलफोन, कार भी रिकवरी कर दिया वो विक्टिम का, और रायनर का भी सेलफोन्स रिकवरी करके आज उनको कोर्ट में पेश करेंगे। और उनको TI पर भी रहते, केवल तो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, उनको प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम होता है, उनको सजा करने के लिए प्रॉब्लम होता नहीं हो, इसीलिए हम हमारे से बस ये प्रेस नोट है। हाँ, एवन तो रायनर केसेस में है ये, ऑलरेडी ये ऑफेंस करने के बाद वो सेलफोन्स भी चोरी करा, वो भी केसेस है इसके ऊपर, और भी पुलिस कस्टडी लेके पूरा डिटेल इंट्रैक्शन में इनका क्या ऑफेंस है, इन्हों कर्नाटक है और एक एवन वेस्ट बंगाल के, इनका पूरा इंट्रैक्शन में मिलना है साथ में। अभी अब एक केस तो हमारे कन्फ्यूज कर कबूल करे, वो केस में भी रिकवरी करा, और पुलिस कस्टडी लेने के बाद इसका डिटेल इंट्रैक्शन होता। क्या बस चोरी करना, पैसे लेना, लूट लेना, एंजॉय करना, और क्या रहता रीजन? चोरों को अननेसेसरी विक्टिम को मार के चले गए तो पर्व नहीं, मगर चाकू से मारा, लकीली बच गया उन्होंने, अगर कुछ हो गया तो उसका फैमिली का अपन कुछ नहीं। मैं भी विक्टिम को एक उबर कैब बुक करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ उनको क्या मालूम था? पुलिस कैब ड्राइवर जाते रहते हैं, मगर हर एक कैब ड्राइवर को ऐसा नहीं करते, नहीं चोर इंटेंशनली, उनका दिल में क्या है अपने क्या मालूम रहता, पुलिस को तो नहीं मालूम रहता। हर एक गाड़ी चेक करके पैसेंजर सही है, ड्राइवर सही है नहीं पूछ सकते ना, इट तो गलत है। यू आर अच्छा पेट्रोलिंग कर रहे, पब्लिक हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे भी अच्छा पुलिसिंग करने के लिए हम यहाँ डिवीजन आ गया, एक जोन ऑफ जोनल ऑफिसर है गवर्नमेंट के। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।